not a game. It's a Redskin. तो हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, आज की वीडियो में यही वाली प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही है कि हमारा जो यहाँ पर बैंक है उससे हमारा ना पर पैसा यहाँ पर जा नहीं पा रहा है और वहाँ पर हमको शो हो रहा है कि हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ फेलियर हो रहा है, वो भी ऑल ऐप्स के लिए। तो इसकी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं अभी जब पेमेंट करने आता हूँ तो यहाँ पर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन शो हो रहा है UPI इशू एट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यहाँ पर आपका कोई और बैंक भी हो सकता है, जो कि अभी मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दो बैंक में यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जो कि है यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और दूसरा जो बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर देखिए हमको शो हो रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज फेसिंग हाई पेमेंट फेल्योर ऑन ऑल UPI एप्स। ये जो प्रॉब्लम है लगभग यहाँ पर कल से शो हो रहा है यहाँ पर, और हमारा पेमेंट कभी जा रहा है और कभी नहीं जा रहा है। ज़्यादा टाइम यही हो रहा है कि हमको यही वाला ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, ना ही हमारा फ़ोनपे का बैलेंस यहाँ पर चेक हो पा रहा है कि हमारा बैलेंस कितना है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यहाँ पर कोई निजी तरीका नहीं है कि आप खुद से सॉल्व कर सके कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर बैंक के द्वारा सॉल्व की जाएगी और वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सॉल्व की जाएगी, आपको इसमें कुछ भी करना नहीं होगा। यहाँ पर चलिए मैं आपको पेटीएम ऐप में भी आपको दिखा देता हूँ कि पेटीएम में भी ये ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर पेमेंट करने के लिए 10 रुपीज़ क्लिक करता हूँ, पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस बैंक इज फेसिंग हाई UPI पेमेंट फेल्योर इन ऑल ऐप्स। यहाँ पर भी हमको वही सेम ऑप्शन हमको शो हो रहा है। तो इसका जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा, जैसे बैंक का सर्वर यहाँ पर अच्छा होगा, यानी कि सर्वर यहाँ पर अच्छा चलने लगेगा, हमारा यहाँ जो पेमेंट है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क करने लगेगा, आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अभी इस बैंक के सपोर्ट टीम से भी यहाँ पर बात किया हूँ और उन लोगों ने भी कहा है कि इसकी जो जल्द से जल्द यहाँ पर जो ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। लगभग इसको 24-48 घंटे लगते हैं सॉल्व होने में, अभी देखिए कितना समय लगेगा इसको सॉल्व होने में। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।